तो हेलो का स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर अभी अमेजोन में कोई प्रोडक्ट परचेज करने का ट्राई करते हो, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, सपोज कर लीजिए आप कोई लैपटॉप परचेज कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पर नीचे आने के बाद बाय नाउ पर क्लिक करते हो, अब कैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर आपको COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अनअवेलेबल दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ कैश ऑन डिलीवरी ऑन डिलीवरी अनअवेलेबल फॉर दिस पेमेंट। तो अगर आपके पास UPI नहीं है, ना ही आपके पास नेट बैंकिंग एक्सेट्रा, नहीं आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है, तो ऐसे में आपको क्या करना है इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, आज के डे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा। चलेगा इस बिना किसी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप क्या कर लेना है। यहाँ पर जो है आपको बाय नाउ पर दोबारा आना है, सॉरी अब यहाँ पर आप क्या करना है, जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है देख लेना। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रोडक्ट का यहाँ पर प्राइस लगभग 4 लाख के करीब है। तो यहाँ पर ऑफिस बात है कि यहाँ पर मैं इसे जो है परचेज़ नहीं कर पाऊँ कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि इतने सारे यहाँ पर पैसे तो कैश ऑन डिलीवरी पर अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, कोई सस्ता प्रोडक्ट हो वो तो आपको कैश ऑन डिलीवरी पर मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसे प्रोडक्ट आपको कैश ऑन डिलीवरी पर देखने को नहीं मिलते। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये सेम प्रोडक्ट को आप क्या करिए किसी और प्लेटफॉर्म पे, जैसे AJIO हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब पे ट्राई कर सकते हो। हो सकता है कि वहाँ पर आपको ये सेम प्रोडक्ट कॉल सॉरी COD यानी कि कैश डिलीवरी पर देखने को मिल जाए, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अमेज़ोन से परचेज़ करना है तो आप क्या करिए, अमेज़ोन पर लॉन्ग प्रेस करिए, यहाँ बैक आने के बाद आई बटन पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको मिलता है क्लियर डेटा, यहाँ पर आके क्लियर कैच कर दीजिए, उसके बाद क्लियर डेटा कर दीजिएगा। क्लियर डेटा करने से आप यहां पर अमेज़ॉन से लॉग आउट हो जाओगे, आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करोगे आपको दोबारा चेक कर लेना सेम प्रोडक्ट को। ठीक है, अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो क्या करिए, जो आपका प्रोडक्ट है उसे सर्च कर लीजिए। सो गाइस यहां पर आप देख पा रहे हैं वो लैपटॉप था यहां पर एप्पल मैकबुक प्रो, तो यहां पर हम एक बार जाएंगे। यहां पर जाने के बाद अब आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद एक चीज़ देखिएगा यहां पर, सबसे पहले तो यहाँ पर सोल्ड बाय है, सोल्ड बाय अपैरियल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर बहुत सारी कंपनी होती है अलग अलग जो इसे सोल्ड कर रही होती है, तो यहाँ पर आपको कंपनी का नेम लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर अपैरियल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड आपको जो इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में आगे चलकर, अभी आप नेम को नोट कर लीजिए। इसके बाद आप क्या कर लेना है, आपको जो है नीचे आना है बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद ऊपर ऑप्शन मिलता है रिव्यू का, आपको रिव्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिव्यू पर आ जाओगे उसके थोड़ा सा यहाँ पर आप क्या कर लेना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर मिलता है राइटर रिव्यू, आपको यहाँ पर आ जाना है। राइटर रिव्यू पे आने के बाद अब यहाँ पर देख पा रहे हैं सॉरी मतलब इस चीज़ के ऊपर हम अभी वो नहीं कर सकते, रिव्यू दे सकते हैं। तो इसके लिए अगर यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल और रिव्यू का ऑप्शन, तो आप रिव्यू दीजिएगा। रिव्यू में आपको क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी, वो आपको डाल देनी है। अब गाइस यहाँ पर अगर आपको मेरी तरह रिव्यू का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप क्या करिए, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। हम एक बार ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद दोबारा हमें स्क्रॉल डाउन करना होगा, नीचे आना है। नीचे आने के बाद वही सेम यहाँ पर बारकोड सॉरी जो लाइन है यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है। अब इसमें आपको ऑप्शन मिलता है क्वेश्चंस का, आप क्वेश्चंस पे आ जाना है। क्वेश्चन पे आने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पर एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। क्वेश्चन में जाएंगे, अब यहाँ पर सर्च इन रिव्यू है, यहाँ पर आपको हाई लिख देना है। हाई जैसे आप लिखोगे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा पोस्टर क्वेश्चन का, आपको इस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको रिपोर्ट पेस्ट कर लेनी है, यहाँ पर मैं कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक रिपोर्ट मैंने पेस्ट कर दी, सेम रिपोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब गाइस यहाँ पर क्या देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, आपको सबसे ऊपर यहाँ पर जो है आगे चले जाना है। तो ठीक है, यहाँ पर आगे आ चुका हूँ। यहाँ पर गाइस आप क्या कर लेना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हाई लिख पहले से लिखा होता है डियर, यहाँ से मैंने रिपोर्ट स्टार्ट कर रखी है। अब यहाँ पर जो मैंने कंपनी का नेम बताया था, आपको कंपनी का नेम यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में डाल देना है, जो आपका कंपनी में नेम है डाल के, उसके बाद यहाँ पर आपको सेम रिपोर्ट ही रखनी होगी अपनी। ये रखने के बाद अब आपको पोस्ट कर देना है। ठीक है, ऐसे जो है क्वेश्चन आपको 2-3 बार करने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर कई बार होता है कि जो कंपनी इस प्रोडक्ट को सोल्व कर रही है वहाँ पर COD खुद ही बंद करती है। ठीक है, कई बार यहाँ पर अमेज़ोन में नहीं करता जो है, COD खुद ही कंपनी बंद कर देती है। तो ऐसे में गाइस हो सकता है कि वो आपकी COD ऑप्शन चालू कर दे, जिससे आप जो है इस प्रोडक्ट को परचेज कर पाओ। तो बस गाइस यही इसका सोल्यूशन था। होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है मेटेरियल, लव यू।